नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में इस रूट पर जो है वो एक नई रूट है जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। उसमें चलेगी मिनी बुलेट ट्रेन, को बहुत ही जल्द एक सौगात मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि इस साल के अंत में 27 रूटों पर 18 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि जिन रूटों के पहले फेज में रूटों का निर्धारण कर लिया गया है, ट्रेनों के परिचालन को लेकर जिन रूटों का चयन किया गया है उसमें पटना काशी और दिल्ली का नाम भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इन रूटों पर ट्रेनों के परिचालन शुरू हो जाने से महज 5 घंटे में पटना से दिल्ली का सफ़र हो सकता है। अगर वर्तमान की ट्रेनों की बात कर लें तो इसमें 12 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगता है। वर्तमान में अगर हम वंदे भारत ट्रेनों की स्थिति के बारे में अगर हम देखें तो 2 रूटों पर ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, दिल्ली से वाराणसी और दिल्ली से वैष्णो देवी से कटरा के रूट पर जो है परिचालन सुविधा बहाल करने की बात कही जा रही है। खास करके अगर हम दिल्ली से वैष्णो देवी की बात कर लें तो इस रूट पर जो है परिचालन की शुरुआत कर दी गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार बुलेट ट्रेन की रफ्तार से करीब आधी बताई जा रही है। बता दें कि इस पूरे मसले का रेलवे ने कुछ नया करने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि वाराणसी से दिल्ली के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही जा रही है, जिसका रूट उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के रास्ते बंगाल तक जाने की बात कही जा रही है। इसको लेकर कई राज्यों में रूटों का निर्धारण भी किया गया है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बाद यह ट्रेन बिहार के सासाराम के रास्ते आगे बढ़ेगी और इसकी जो रूट है वो पटना से भी जोड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इधर झारखंड के हजारीबाग और कोडरमा के रास्ते यह ट्रेन जो है आगे पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी। वंदे भारत ट्रेन की अगर हम रफ्तार को देख लें तो इसका मूल रफ्तार जो है 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बताई जा रही है, जबकि भारत में अभी इसकी रफ्तार 160 है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसकी रफ्तार में बढ़ोतरी करने की बात कही गई है, जिसमें कि पटरी पर कार्य पूर्ण होने के बाद इसकी रफ्तार एक बार आप जो है बढ़े हुए रूप में देख सकते हैं। हाई स्पीड ट्रेन के परिचालन को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि रेल पटरियों के बीच पहले से और भी मजबूत पिलर लगाने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ रेलवे इस बात का भी ध्यान रख रहा है कि रेलवे पटरियों पर किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, इसलिए पटरियों पर चहारदीवारी लगाया जाएगा। इसके साथ साथ रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन के रूट में कवच प्रणाली और फिर और भी मजबूत करने की बात कही जा रही है। बता दें कि इस ट्रेन की रफ्तार को देखते हुए इसे मिनी बुलेट ट्रेन के नाम से भी जाना जा रहा है। ट्रेनों के रूट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ECR ने 417 किलोमीटर लंबे DDU मानपुर प्रधानखंडा रेलखंड पर ट्रेन में किसी तरह की दुर्घटनाओं को रोका जाए, इसे सुरक्षा प्रणाली में इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि एक ही रेल ट्रैक पर ट्रेनें एक दूसरे से न टकराएंगी। बता दें कि हाई स्पीड ट्रेन के परिचालन को लेकर सुरक्षा तंत्र को और भी मजबूत किया जा रहा है। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने कहा कि 4 चरणों में पूरा होने के बाद परियोजना का प्रथम चरण पर काम जो है शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सोननगर से गया तक सबसे पहले काम शुरू होगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस पूरी परियोजना को साल 2024 के अंत तक पूरा करने का बात जो है वो कहा जा रहा है। तो एक तरह से कह लें कि बिहार में जो है अब मिनी बुलेट ट्रेन चलने की परिकल्पना जो है बहुत ही जल्द पूरी होगी। जैसा कि हमने इसके रूट के बारे में जिक्र किया कि यह वाराणसी से पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उसके बाद सासाराम, उसके बाद गया और झारखंड में कोडरमा, उसके बाद हजारीबाग और उसके बाद जो है यह ट्रेन जो है पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी। तो एक तरह से कह लें कि बिहार के लोगों के लिए यह एक सौगात के रूप में है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस मिनी स्पीड जो ट्रेन है इसको जो है मिनी बुलेट ट्रेन जो है इसको राजधानी पटना से भी जोड़े जाने की बात कही जा रही है। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।